सो हेलो एवरीवन, दिस इज जयसपाल एंड नाउ यू आर वाचिंग शार्क राइडर। सो गाइस, आज हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार, हो क्योंकि हम आज विजिट करने वाले हैं हमारा कॉलेज में। मेरा छोटा भाई का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग विजिट करने वाले हैं। तो हमारा कॉलेज का नाम तो गीट है, मतलब गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोक्रेट्स। तो आप लोगों को भी अगर ये कॉलेज में विजिट करना है तो उड़ीसा में आप लोग ये देख सकते हो, गीट कॉलेज करके, ठीक है। तो चलते हैं अभी वीडियो में कॉलेज का तरफ। हम लोग पहुँच ही गए, बस अभी थोड़ा ही देर बाकी है, तो हम लोग अभी कॉलेज में जाके बाकी बात करते हैं। तो गाइज, फाइनली जो है हम लोग कॉलेज का गेट पे आ गए। ये देख सकते हो गेट, एंड यहाँ पे पूरा पार्किंग है। यहाँ पे स्टूडेंट का और सार लोगों का जो भी है कॉलेज देख लो। ये गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोक्रेट्स कॉलेज है, और हम लोग यहाँ पे आज विजिट किया हो क्योंकि मेरा भाई का चल रहा है। कॉलेज का पूरा साइनबोर्ड वगैरह दिया हुआ है, और इसमें पूरा कोर्स डिटेल जो भी है पूरा लगा हुआ है, देख सकते हो। अभी जाएंगे अंदर का तरफ, ऐसा हम लोग अंदर चलेंगे। ऑलरेडी एंट्री वगैरह हो गया, तो थोड़ा काम था ऑफिशियली, वो काम भी ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग जो है दोबारा शूटिंग के लिए आया हो, क्योंकि उस टाइम पे ऑफिशियली काम था तो उसके लिए शूटिंग नहीं कर पाया। तो कॉलेज कैंपस देख सकते हो गाइस, इतना बढ़िया कैंपस बना के रखा है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। आप लोग भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो, मैं कॉलेज का जो भी है नाम वगैरह और कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा नीचे कॉलेज का, आप लोग कॉन्टैक्ट करके आराम से एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पर विजिट कर सकते हो। बट यहाँ से मतलब एडमिशन लेने के एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे है ना आउटसाइड में बहुत गर्मी है। अगर आप रूम का अंदर रहते हो तो थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, बाकी मतलब आप बाहर जा रहे हो तो बहुत गर्मी होता है यहाँ पे। तो यही एक दिक्कत मुझे फेस करना पड़ता है। अगर आप भी आओगे आपको भी शायद सेम ही होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा अंदर का तरफ, आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा कॉलेज पूरा। तो वीडियो में बने रहे और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग पहुंच गए कॉलेज कैंपस में, हुआ अभी ये फ्रंट साइड है, तो हम लोग अभी अंदर का तरफ जाएंगे। अंदर का तरफ जाके जो भी है दिखा देता हूँ आप लोगों को। एडमिशन लेने अगर ये कॉलेज में आ रहे हो, कहाँ से जाना है, यहाँ पे एंट्री वगैरह होता है। ये एंट्री है हमारा कॉलेज का, तो देख सकते हो कितना ऑसम है कॉलेज। तो इधर से हम लोग अंदर का तरफ जाएंगे, और यहाँ पे देख लो ये कॉलेज का एंट्री गेट है। हो गया यहाँ पे सीढ़ी उठ उठ के ना, पूरा इधर से उधर से घूम घूम के पूरा हालत खराब हो गया। तो देखो, और थोड़ा आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा, पहले काम ख़त्म कर लेते उसके बाद शूटिंग करूँगा। अभी बोला है वेटिंग करने के लिए, सर के पास गया था तो सर बोला थोड़ा वेट कर लो उसके बाद बात करता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है नहीं होता है ना। तो काम पहले ख़त्म कर लेते हो। यहाँ पे ये साइड में क्लासरूम वगैरह और इस साइड में भी पूरा क्लासरूम वगैरह है यहाँ पे, तो जाऊंगा अभी देखता हूँ क्या होता है। और ये लोकेशन तो आप देख ही पा रहे हो पूरा घूम पाया। एंड यहाँ पे छोटा सा एक पार्क भी बना हुआ है स्टूडेंट लोगों के लिए, या कोई गार्डियन पेरेंट्स कोई आएगा तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत प्यारा सा एक छोटा सा पार्क बनाया गया, यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर सकते हो। क्योंकि इसका जो हॉस्टल है ना, ये पे है कैंपस में ही है हॉस्टल, हम लोग हॉस्टल का तरफ चलता हो। और वो साइड में भी एक छोटा सा पार्क बनाया गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है, नेचुरल है पूरा, नेचुरल का अंदर बैठ के आप लोग हवा ले सकते हो आराम से चिल करने के लिए। इंजीनियर का ज़्यादा टेंशन रहता है ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो ज़्यादा टेंशन रहता है, तो उसके लिए चिल करने के लिए यहाँ पे छोटा छोटा दो पार्क का तरफ उस तरफ जाएंगे। इस तरफ से हॉस्टल जाना है, हॉस्टल का रोड है ये, तो हम लोग हॉस्टल का तरफ जाएंगे। वगैरह तो है रखा हुआ है कैंपस में, आपको आउटसाइड जाने का भी जरूरत नहीं। यहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे हॉस्टल का जो कैंटीन है वहाँ पे है, तो ज़्यादा आउटसाइड जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, कैंपस का अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। कोविड कैंटीन है यहाँ पे, प्राइवेट कैंटीन में क्या क्या मिलता है देखता हूँ पहले, और कुछ खा भी लेता हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो पहले जाके कुछ खाना बना। वॉलीबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ है, यहाँ पे भी छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पे क्या खेलेगा यार समझ में नहीं। यहाँ पे बीच में एक लैंप पोस्ट खड़ा कर दिया सोलर का, क्या कर लेंगे। यहाँ पे जो है कॉलेज बस का पार्किंग, और ये आ गया हॉस्टल। ऐसे स्टार्ट होते बॉयज़ हॉस्टल, ये वाला बॉयज़ हॉस्टल कैंटीन है, और उस तरफ है हॉस्टल, वो वाला हॉस्टल है, और ये वाला बॉयज़ हॉस्टल, ये वाला बॉयज़ हॉस्टल, ये वाला कैंटीन है। तो जाता हूँ देखता हूँ खाना वाना का क्या सिस्टम है क्या नहीं,
ऐसे हॉस्टल का अंदर। तो कैंटीन तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा कैंटीन है। जाता हो देखता हूँ खाना क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे दो हॉस्टल है तो वाला रूम अभी तक रेडी नहीं हुआ, बाकी इधर का रेडी है, जो भी उसमें रह रहा है बंदर लोग देख लो। तो गाइस हम लोग निकल चुका हो इधर से, कॉलेज का काम सभी ख़त्म हो गया और शूटिंग वगैरह भी सब कुछ हो गया। अभी इधर से निकलूँगा, निकल के जाऊँगा होटल में खाना वाना खाऊँगा। जाके अभी तक खाना भी कुछ भी नहीं खाया। तो वीडियो इतना ही था गाइस, मतलब कॉलेज विजिट था एक छोटा सा ब्लॉग का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ऐसा बहुत सारा वीडियो आएगा, बहुत सारा प्लेस में विजिट करने वाला हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो इसलिए थैंक यू, सब सपोर्ट जितना भी दिखा रहा हो सबको बहुत बहुत थैंक यू। और चलते होटल का तरफ। तो वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ऐसे और एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों का, है ना, मुश्किल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ से जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर, ऑटो नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा, वो भी जंगल का बीच में से। देख लो चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो आप लोग अगर ये कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, मेरा सजेशन लेके, तो ये सब फेस करना पड़ेगा, इतना तकलीफ़ आपको उठाना ही पड़ेगा कि जंगल में से बाहर जाने का तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। हॉस्टल पूरा कैंपस का अंदर ही है, खाना वाना का दुकान भी वहाँ है, फिर भी कभी मार्केटिंग वगैरह में जाना है तो उधर जाना पड़ेगा, और अभी इमरजेंसी में निकलना पड़ेगा तो गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगा। ऐसे तो हॉस्टल का गाड़ी है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो वो हेल्प किया जाता है, बट आप वही सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा कुछ ना, एक तरफ से ना एक तरफ से। तो हम लोग चलते हैं और क्या करेंगे, थक गया। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ गाइस, पूरा एनर्जी लेस और एनर्जी नहीं वीडियो बनाने का। इसको भी देख लो, इसका भी एनर्जी लेस, मैं भी एनर्जी लेस। यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाके कुछ पीने का कोशिश करता हूँ, कोशिश जारी रहेगा। तो कोशिश जारी रहते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, नहीं तो मेरा पसीना और ज़्यादा हो जाएगा। तो बाय गाइस।